दोस्तों 26 मार्च को अमेरिका में हुए शिप एक्सीडेंट में 300 मीटर लंबा कार्गो शिप अमेरिका के सबसे बड़े ब्रिज बाल्टीमोर से टकरा गया। शिप एक ही पिलर से टकराता है, लेकिन पूरा ब्रिज जहाज के ऊपर गिर जाता है। इस हादसे में 6 लोगों की जान गंवानी पड़ी और 20 से ज्यादा लोग अभी तक लापता है। तो आखिर इतना बड़ा जहाज कैसे बेकाबू हुआ, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये जहाज रात को अमेरिका से श्रीलंका जाने के लिए रवाना हुआ था और इसके निकलने के कुछ देर बाद पूरे जहाज की बिजली चली जाती है और शिप का इंजन भी बंद हो जाता है, और तो और जहाज को कंट्रोल करने वाला स्टीयरिंग भी घूमना बंद कर देता है। ऐसे में जहाज का आगे का हिस्सा ब्रिज से टकरा जाता है। इतनी भयानक टक्कर से तुरंत ही जहाज में आग लग जाती है।